वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि एक फैब्रिक को कैसे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उसके प्रोसेस बताऊंगा। मैं एक ऐसी फैक्ट्री में आया हुआ हूँ जो कि फैब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग होती है, अलग अलग फैब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अभी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो लाइक्रा फैब्रिक जो इसको बोलते हैं, जो लेडी लैगी की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, स्ट्रेचेबल फैब्रिक कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ कि एक फैब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी है, आप देखना और आपको पता चलेगा कि फैब्रिक कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग फैक्ट्री के अंदर जा रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हो कि ये तीन तीन जो मशीनें लगी हुई है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस देखिए, ये काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है। हर चीज़ की प्रोसेस मैं बताऊँगा और मैं यहाँ के जो काम कर रहे हैं, जो इंजीनियर लोग हैं वो काम करते हैं, मैं उनसे भी पूछूंगा कि ये किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये इतनी बड़ी मशीनें हैं, क्या प्रोसेस है इसका। एक जो फैब्रिक की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसको एक छोटी सी फैब्रिक जो कपड़े होते हैं उसको बनाने में कितना टाइम लग जाता है, और देखिए कितना धागा लगा हुआ है इसमें, कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है। ये चीज़ है क्या, ये पूरी मशीन की डिस्प्ले है, यहीं से सारी चीज़ें कंट्रोल होता है कि अगर मान लो कि इस मशीन में कुछ धागा वगैरह कुछ टूट जाता है या फिर कुछ होता है, तो यहीं से जो इंजीनियर हैं जो इसको जो हैंडल करते हैं वो यहीं से कंट्रोल करते हैं, यहीं से पता चलता है कि किस तरीके से काम हो रहा है। भैया आपका नाम क्या है पहले बता दीजिए। रंजीत कुमार। मुझे ना इसका प्रोसेस बता दीजिए कि शुरू से और लास्ट प्रोसेस क्या होता है, मतलब कि मैं अपने जो हमारे जो व्यूवर हैं सब्सक्राइबर हैं वो जानना चाहते हैं कि एक कपड़े बनने में कितना टाइम लगता है, प्रोसेस क्या क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए बता दीजिए। ये है कॉटन बोलते हैं। अच्छा, धागा है कॉटन का, उसके मशीन की चौड़ाई इसकी है लगभग 90 कोने लगते हैं एक बार में। 90 कोने धागा लगता है, उसके बाद लाइक्रा लगता है 45। लाइक्रा कौन सा है इसमें? इसको लाइक्रा बोलते हैं। ये लाइक्रा है, ये लाइक्रा। लाइक्रा का क्या काम होता है इसमें? लाइक्रा का काम है एस्टिंग, मतलब कपड़े में स्ट्रेच देना। हाँ हाँ, स्ट्रेचेबल होता है। जो हम टी शर्ट वगैरह डालते हैं स्ट्रेचेबल कपड़ा, ये ओनली लेगिंग में काम आता है। लेगिंग में काम आता है, जो स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है। लेगिंग लेडीज लोग का जो लेगिंग होता है उससे काम आता है। अच्छा, ये टोटल प्रोसेस होकर मशीन के अंदर जा रही है। तो गाइज अभी मशीन की ना थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, तो आपको शायद क्लियरिटी ना आए आवाज़ की, बट आप वीडियो को लास्ट से देखना, प्रोसेस बताएंगे। प्रोसेस होके कपड़े अंदर जा रहे हैं धागा और लाइक्रा के साथ में। अच्छा, जब ये धागा अंदर जाती है कपड़ा बंद करके और नीचे की तरफ आता है, ये पूरा कपड़ा बन रहा है ना? कपड़ा बन रहा है। ये बाइंडर है, इसके अंदर लपेट रहा है। जब ये काउंटर पूरा हो जाएगा, हाँ, तो जितना राउंड इसको हमने डाल रखा है, और राउंड पूरी होने के बाद मशीन अपने आप स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप होने का लगभग 1 से 1.25 घंटा, मतलब 1 घंटा 25 मिनट मशीन चलेगी, तब जाकर के इसका रोल पूरा होगा। वो लगभग 22 किलो का होता है। 22 किलो का, किलो का, 1 घंटे 1.25 घंटे में 22 किलो का कपड़ा तैयार हो जाता है। हाँ, एक रोल बोलते हैं, रोल को, हाँ, रोल तैयार होकर के और निकल जाती है। अच्छा अच्छा, वो दिन का पकड़िए 12 घंटे के अंदर आपको 6 रोल के लगभग बाहर आती है। 7-6 रोल, हाँ। एक रोल में लगभग कितना मीटर हो जाता होगा? 100 मीटर। 100 मीटर, हाँ, 100 मीटर प्लस ही होगा कम। हाँ,
अच्छा रखिए, ये रोल तैयार होगी ना, मेरे को दिखाइए, स्क्रैच करके दिखाइए तो एक बार। हमारे कपड़े के अंदर यही खासियत है, हमने ये कपड़ा लिया, खींचा, वापस वहीं पे जाएगा। अच्छा, कपड़े का बाउंसिंग है जो हमारा अच्छा है। अच्छा, क्वालिटी बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी वाला है, जिसको बोलते हैं सुपर कॉम्ब्ड 100% कॉटन लाइक्रा। अच्छा, 100% कॉटन लाइक्रा, कॉटन लाइक्रा। इसके बाद हमारे पास जो माल बाहर आती है, हाँ, बाहर होने के बाद हमारे यहाँ कम से कम तो 15 घंटा इसको रिलैक्स के लिए रखा जाता है। अच्छा, 15 घंटे पंद्रह घंटे के लिए रिलैक्स होने के लिए रखे जाते हैं। 15 घंटे के बाद ये डाइंग में जाती है। अच्छा, डाइंग में जाती है। डाइंग में ये दो, ये मशीन और ये मशीन दोनों एक ही है क्या? सेम है, सेम है। अच्छा, कंपनी अलग है। अच्छा, कंपनी अलग है, दोनों का काम एक ही है। आइए उस पर चलते हैं। और इस वाले का क्या काम है? ये भी 100% कॉटन ही चल रहा है। अच्छा, 100%। इसमें काम है ट्राउजर का। अच्छा, ये ट्राउजर के जो कपड़े होते हैं उसमें लाइक्रा नहीं लगती। अच्छा, इसमें लाइक्रा नहीं है नहीं। तो गाइस मैं देख रहा हूँ इसमें लाइक्रा का कोई मतलब कि धागा नहीं लगा रखा है, सिंपली जो कपड़ा होता है कॉटन का धागा लगाया है इन्होंने, और पूरा का पूरा प्रोसेस इनका यही सेम है, बट इन्होंने लाइक्रा नहीं लगाया। ये स्ट्रैच नहीं होगा, नहीं ये कपड़ा स्ट्रैच नहीं होगा। एक बार इसका कपड़ा कौन सा है? देखिए उस कपड़े में कुछ है नहीं। हाँ, कुछ नहीं है, मतलब सिंपल है, सेम प्रोसेस वही है। सेम प्रोसेस वही है, लाइक्रा हटा दिया जाता है, उसके बाद आपका धागा मशीन के ऊपर डिपेंड करता है, मशीन कितने मीटर का है और कितना धागा लेता है। ये क्या है? ये ऊपर फैन है क्या? ये हाँ फैन है, ये है जो कॉटन का रुईया होता है ना, उसको हटाने का काम करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, के ऊपर बैठे। अच्छा अच्छा, लोड हो रही है टाइम होने के लिए। अच्छा, टाइम भी टाइम अभी ये वॉशिंग होगा कम से कम 2 से 3 घंटा। अच्छा, 2 से 3 घंटा धोने के बाद फिर इसके कलर देंगे। ये धोने के बाद पूरा रोल बच जाता होगा ना? नहीं, ये जिस तरीके से कपड़ा उसी तरीके से बाहर आती है। अच्छा, सेम है कलर होने के बाद। अच्छा, कलर होने निकलते बाहर निकलने के बाद हम इसे ले जाते हैं सुखाने के लिए। अच्छा, ये कौन सी मशीन है? ये जेड मशीन बोलते हैं। जेड मशीन में क्या होता है इसका? इसको जैसे आप देख रही हो ओपन है, इसमें सारा कुछ पैकिंग होता है। पैकिंग ऑटोमेटिक पैकिंग, ऑटोमेटिक पैकिंग है। यहाँ से लोड होती है कपड़ा दोनों ध्यान से, हाँ, 6 इधर जाता है 6 उधर जाता है। अच्छा, इसमें 10 जाते। अच्छा अच्छा, इसमें 12 जाता है। जब अंदर डाल देते हैं ऑटोमेटिक हम यहाँ पे कलर डालेंगे, यहाँ पे कलर डालेंगे, कलर जाने के बाद ऑटोमेटिक वो कलर अंदर ले लेता है। और ये वाला, ये जब सारी कपड़ा हो जाती है, हाँ, फिर इसमें निकालते हैं। अच्छा ठीक है, निकालने के बाद इस मशीन के साथ ये जाता है यहाँ पर।
जब डाई हो जाता है कपड़ा हाँ। तो गीला रहता है कपड़ा हाँ। कपड़ा गीला रह इसमें ला करके सुखाते हैं, जो कि आपका जितना पानी रहता है कपड़े के अंदर हाँ। वो निचोड़ के बाहर फेंक दे, ड्राई हो जाता है पूरा, ड्राई हो जाता है। इसके बाद फिर भी गीला होता है कपड़ा। अच्छा, इसके बाद यहाँ से इस मशीन के ऊपर जाते हैं। अच्छा, ये भी है क्या मशीन? इसे बोलते हैं ब्लोअर। अच्छा, ब्लोअर ब्लोअर ब्लोअर। इसके बाद एक बार में हम चार कपड़ा लोड करते हैं। अच्छा, ये कलर हो गया ना, ये सूखा हुआ कपड़ा है, तो कलर भी हो रखा है, सूखा हुआ, सूखा हुआ है। फिर यहाँ से प्रेस होता है। अच्छा, ये प्रेस मशीन है, ये कंपैक्टर बोलते हैं। अच्छा। यहाँ पे कंपैक्ट होता है हाँ। ये मशीन लंबी है, काफ़ी लंबी है हाँ हाँ हाँ। यहाँ से ऑपरेटर प्लस दो स्टाफ यहाँ होते हैं हाँ। उसके बाद अंदर जाती है कॉम्पैक्टर। ये मशीन और ये दोनों ज्वाइंट है, ये बीच यहाँ पे बीच से ज्वाइंट हो जाता होगा, फिर इसके ऊपर कपड़ा जाता है, प्रेस होकर यहाँ से निकलेगी, फिर यहाँ पे आकर के फेयर लगता है। अच्छा, ऑटोमेटिक, सारी ऑटोमेटिक मशीन, हमने फोल्ड करने की जरूरत नहीं, हमने फोल्ड यहाँ से आकर के दो लड़के यहाँ होते हैं, पन्नी भी पैक करके वारंटी। अभी तो है नहीं। तो भैया मुझे आप ये बताइए कि जैसे आपने ये पूरा कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, फिर उसके बाद आप कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है जो कपड़े बनाना, उसकी जो आप प्रोडक्शन कपड़े को, जैसे हमने सब कुछ पूरा ये फाइनलाइज हो गया, यहाँ पे कपड़ा फाइनल हो गया, फिर उसके बाद कहाँ जाता है? उसके बाद इसको हम अपनी फैक्ट्री में, अच्छा वो भी मैन्युफैक्चरिंग अपनी है, जो लैगी की मैन्युफैक्चरिंग आपकी अपनी है। अच्छा, अगर मान लो कोई हमारी वीडियो देख के बाहर का कोई सप्लायर हो या फिर डीलर हो आपसे कांटेक्ट करेगा, तो आप उनको माल देंगे या नहीं देंगे? माल हम देंगे पर कपड़ा नहीं देंगे, सिर्फ जो ओनली आइटम। अच्छा, आइटम रेडी करके देंगे, कपड़ा अपना मैन्युफैक्चरिंग करके फिर वो रेडी करके फिर आप उनको देंगे लैगी का। अच्छा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। अगर आपको इनके प्रोडक्ट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूंगा, आप डायरेक्टली इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ऑर्डर दे सकते हो और इनसे मिल भी सकते हो आप।